हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन फिफ्थ ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम एंड ये आपका पार्ट वन है। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एजुकेशन के बारे में। तो ये जो आपका टॉपिक है लेसन फिफ्थ का, ये है वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो पहले पार्ट में मैं वैल्यू एजुकेशन को डिस्कस करने वाली हूँ। वैल्यू एजुकेशन के आपके दो पार्ट हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। देन अगेन हम कवर करेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ वैल्यू क्या है, वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है, इसको देख लेते हैं। वैल्यू मीन्स प्राइमरली टू प्राइस, टू इस्टीम, टू अप्रेज और टू एस्टिमेट। तो वैल्यू को अगर हम समझें कि वैल्यू होती क्या है, तो जिस भी चीज़ को हम एक एस्टीम वैल्यू मानते हैं या जिस भी चीज़ को हम अप्रेज करते हैं उसको हम वैल्यू बोलते हैं। जो हमारे लिए प्राइस्ड होता है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा मूल्य होता है, मतलब मूल्यवान वस्तु लगती है हमें, उसको हम अपना वैल्यू मानते हैं। इट मीन्स द एक्ट ऑफ अचीविंग समथिंग, होल्डिंग इट, एंड ऑल्सो द एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट अपॉन द नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ वैल्यूज एज कम्पेयर विद समथिंग एल्स। जॉन डेवी ने बोला था कि ये एक एक्ट होता है जिसमें हम कुछ भी अचीव करते हैं उसको अपने पास रखे रहते हैं और उसके अलावा हम उसके नेचर पे अपना जजमेंट, जो हमारा ओपिनियन होता है, वो भी पास करते हैं और इसके अलावा हम कंपेयर करते हैं उन आपस में उन वैल्यूज़ को, या हम उनको आपस में कंपेयर करते हैं या फिर हम उनको किसी और चीज़ के द्वारा कंपेयर करते हैं। तो ये जॉन डेवी की डेफिनेशन है कि वैल्यू होता क्या है। देन अगर हम बात करें वैल्यू एजुकेशन की या वैल्यू एजुकेशन की, तो वैल्यू एजुकेशन क्या होता है इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। वैल्यू एजुकेशन मींस इनकल्केटिंग इन द चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिज्म, अ डीप कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर एंड द नेशन। तो बेसिकली वैल्यू एजुकेशन का मतलब होता है वो एजुकेशन जिसके थ्रू हम बच्चों के अंदर या फिर स्टूडेंट्स के अंदर एक, जो आप कहते हैं कि ह्यूमैनिज्म, मतलब मानवता वाला भाव उनके अंदर जनरेट कर सकें, उनके अंदर एक दूसरों के भलाई के लिए कंसर्न रहने का भाव हम जनरेट कर सकें और उसके साथ साथ हम अपने देश के लिए भी कंसर्न रहने का भाव जनरेट कर सकें, तो उसको हम वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वाई एन श्रीधर, इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल वैल्यूज इन पपल्स एंड द प्रैक्टिसेस सजेस्टेड फॉर द प्रमोशन ऑफ द सेम। तो इन्होंने बोला था, डॉक्टर वाई एन श्रीधर ने बोला था कि जो स्टडी, ये बेसिकली जो वैल्यू एजुकेशन होता है ये स्टडी होता है और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इसेंशियल वैल्यू डेवलप होती हैं स्टूडेंट्स के अंदर, जो वैल्यू सिस्टम हमें उनके अंदर डेवलप करना है वो किस तरीके से डेवलप होती हैं। और उसके अलावा इस स्टडी में, इस फील्ड ऑफ स्टडी में हम ये भी पढ़ते हैं कि कौन सी प्रैक्टिसेस, कौन सी एक्टिविटीज़ के द्वारा हम इन वैल्यूज़ को प्रमोट कर सकते हैं लोगों के अंदर। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन में आपके कवर होती हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन, इकोलॉजी भी इसमें आता है, बायोडाइवर्सिटी। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कैन स्ट्रेंथन द स्टूडेंट्स, ऑप्टिमिज्म रहता है, सेल्फ इस्टीम होती है, कमिटमेंट टू पर्सनल फुलफिलमेंट, एथिकल जजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे आपके पार्ट्स हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में कि किस तरीके से वैल्यू एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें आपके आती हैं, मतलब इकोलॉजी से बेस्ड जॉब की जितनी भी वैल्यू होंगी वो भी आएंगी, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आएंगी, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है, ये हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो इकोलॉजी से, इकोलॉजी के ऊपर हमारा बेस्ड है। उसके अलावा हम बोलते हैं कि हमें जंगलों को काटना नहीं चाहिए, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, तो वो क्या है, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड वैल्यू सिस्टम है। या ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, हम बोलते हैं हमें हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हमें ऑप्टिमम रहना चाहिए, मतलब हमें खुश रहना चाहिए, हमें हमेशा बेटर पॉइंट की तरफ देखना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। देन हम सेल्फ इस्टीम की बात करते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को लोगों से कमतर नहीं आंकना चाहिए, हम उनके बराबर हमें अपने आप को सोचना चाहिए, तो ये क्या है, ये आपका है सेल्फ इस्टीम। तो इस तरीके की बहुत सारे ऐसे वैल्यू सिस्टम होते हैं जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं और ये वैल्यू सिस्टम हम अपने एजुकेशन में इनकल्केट करते हैं, एजुकेशन के अंदर ही इसको रखा जाता है। इसके अलावा कमिटमेंट, जो हमारी पर्सनल फुलफिलमेंट की कमिटमेंट होती है, वो भी वैल्यू एजुकेशन के थ्रू ही हम फुलफिल करते हैं। एथिकल जजमेंट भी इसका पार्ट होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, जिसको आप CSR बोलते हो, कि जिससे मान लीजिए आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दोनों ही चीज़ें आपकी वैल्यू एजुकेशन का पार्ट होंगी।
देन हमारी क्या नीड है वैल्यू एजुकेशन की, ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमें वैल्यू एजुकेशन पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले तो इम्प्रूव इंटीग्रल ग्रोथ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। तो अगर आपको वैल्यू एजुकेशन के बारे में पता होगा, आपके पास जो भी आपने एजुकेशन ली है उसमें वैल्यू एजुकेशन अगर उसका पार्ट होगा, तो आपकी जो ग्रोथ होगी, जो आपकी इंटरनल ग्रोथ होगी वो इम्प्रूव्ड होगी, और जो आपकी लाइफस्टाइल होगी वो सस्टेनेबल होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज के टाइम पर आपके पास पैसे हैं और आप बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, कल के टाइम पे आपके पास पैसे नहीं है, आपकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो जाती है। तो एक जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है वो हम जी पाएंगे अगर हमारे पास वैल्यू एजुकेशन होगी। इसके अलावा इट क्रिएट्स एटीट्यूड्स, एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है वैल्यू एजुकेशन। आप चीज़ों को सही तरीके से देखते हो, आप उनके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढते हो। इंक्रीजेस अवेयरनेस, तो वैल्यू एजुकेशन के थ्रू हम स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, चाहे वो नेशनल हिस्ट्री हो, मतलब हमारी कंट्री की क्या हिस्ट्री थी, हमारी कंट्री किस तरीके से बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं महान है, या हमारा हमारी कंट्री का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं वैल्यू एजुकेशन के थ्रू। और उसके साथ साथ जो हमारा एनवायरमेंट है, मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर जो डिफरेंट एनवायरमेंट है, या हमारे जो अर्थ का एनवायरमेंट है, वो किस तरीके से हमको उनको प्रिजर्व करना चाहिए, किस तरीके से हमें एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ आपका वैल्यू एजुकेशन के अंदर ही आता है। अगर आपको वैल्यू एजुकेशन के बारे में नॉलेज होगी तो अगेन इन सारी चीज़ों के बारे में आप अवेयर होंगे। अंडरस्टैंड एनवायरमेंट विद इंटरलिंक्ड, दैट इज लैंड एयर एंड वाटर। तो इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है वैल्यू एजुकेशन से कि किस तरीके से हमारा जो एनवायरमेंट है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, चाहे वो लैंड हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, ये सारे कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। नो अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद एनवायरमेंट। तो चाहे आपके बायोटिक एनवायरमेंट है, चाहे नॉन बायोटिक एनवायरमेंट है, इन दोनों ही के बारे में हमें पता चलता है, मतलब चाहे लिविंग हो, एबायोटिक हो, बायोटिक हो, इन दोनों ही सिचुएशन के बारे में हमें इजीली पता चलता है वैल्यू एजुकेशन से। वैल्यू अलाउज द इंडिविजुअल टू इंट्रैक्ट हार्मोनियसली विद अदर। तो वैल्यू सिस्टम करता क्या है, हम वैल्यू सिस्टम में हमारे अंदर एक हार्मनी डेवलप करता है। जैसे हम बोलते हैं कि सभी धर्म एक बराबर होते हैं, या सभी धर्म के प्रति हमें संभाव रखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू एजुकेशन के थ्रू हम जितने भी इंडिविजुअल हैं वो अगर उनके अंदर ये वैल्यू सिस्टम हम डालेंगे कि उनको सारे धर्मों को एक बराबर देखना चाहिए, तो उससे क्या होगा, जो भी इंडिविजुअल होंगे वो आपस में हार्मनी के साथ रहेंगे। वैल्यू गाइड आर बिहेवियर, दे आर पार्ट ऑफ आर आइडेंटिटी एज इंडिविजुअल। तो जो वैल्यू सिस्टम होता है वो हमारे बिहेवियर को भी गाइड करता है, और ये हमारी एज एन आइडेंटिटी होती है। कोई भी इंडिविजुअल हो, उसका क्या वैल्यू सिस्टम है वो उसकी आइडेंटिटी का एक तरीके से आप कह सकते हो कि पार्ट ही होता है। दे शो अस हाउ टू बिहेव एंड हाउ नॉट टू बिहेव व्हेन वी आर फेस्ड विद डिजायर्स और इम्पल्सेस, वेदर वी आर अलोन और विद अदर्स। तो बेसिकली वैल्यू सिस्टम हमें ये भी बताता है कि हमें किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर पर्टिकुलर डिज़ायर है किसी चीज़ की, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी कार है और आपको उस कार को परचेज करना है, ठीक है। तो आप अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप उसको परचेज करोगे, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप उसको परचेज नहीं करोगे। अगर आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होगा तो अगेन आप दूसरों के पैसों को चोरी करके या किसी से मार करके उस कार को, या किसी से झड़प करके उस कार को हासिल करने के बारे में नहीं सोचोगे। तो अगेन जो वैल्यू सिस्टम होती है ये हमें बताती है कि हमें किस तरीके से किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। दे आर लाइक अ कंपेयर दैट हेल्प अस बिहेव कॉन्सिस्टेंटली रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो बेसिकली ये कंपास है, ये तो दे लाइक ये एक हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू सिस्टम होता है ये एक कंपास की तरह होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपको बताता रहता है कि आपको किस सिचुएशन किस डायरेक्शन में चलना है, ओके। तो अगर आपका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे। वैल्यू गाइड आर एक्शंस एंड डिटरमाइन अस फॉर अस व्हाट इज़ गुड और बैड। तो इसके अलावा वैल्यू सिस्टम ये भी बताता है, हमारे एक्शंस को गाइड करता है, और ये भी बताता है कि हमारे लिए क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। जैसे बचपन से आपको सिखाया जाता है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, तो अगर आप इस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे तो आप हमेशा आगे जब बड़े होंगे तो भी आपको लगेगा कि नहीं, झूठ बोलना नहीं चाहिए, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ की, तो यहाँ पे एक मतलब अब जे जेड के सतन जी वाला की ये जो क्लासिफिकेशन है ये आप देख सकते हो, इन्होंने क्लासिफाई किया था वैल्यूज़ को। तो पहला जो है आपका वो बायोलॉजिकल है, दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंटल है, एंड तीसरा आपका इंट्रेंसिक वैल्यू सिस्टम है। तो वैल्यूज़ को हम थ्री हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं, बायोलॉजिकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड इंट्रेंसिक।
ओके तो बायोलॉजिकल क्या होता है, एवरीथिंग दैट इज डिजायर्ड इज डिजायरेबल. तो बायोलॉजिकल में बोला जाता है कि जो भी चीज़ें हम पा सकते हैं वो पाने योग्य, जो भी पाने योग्य होती है वो हम पा सकते हैं. ओके तो जो भी हम चीज़ें डिज़ायर करते हैं उसको हमें वो डिज़ायरेबल होती है, वो सारी आपके बायोलॉजिकल वैल्यूज़ में आता है. देन अगर हम बात करें इंट्रेंसिक की, इंट्रेंसिक वैल्यूज़ आर रिफ्लेक्टेड इन आइडियलिज्म, मतलब जो सारी चीज़ें आइडियल होंगी वो हमारी इंट्रेंसिक वैल्यू होंगी. जैसे हम बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए या चोरी नहीं करनी चाहिए, तो ये क्या है, ये आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू है. देन इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज द गाइडिंग फैक्टर. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी मतलब कि आपको उस चीज़ की कितनी आवश्यकता है, वो आपके कितने काम आएगी, वो आपकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू सिस्टम होती है. तो अगर आप फिर से इसको देखें, बायोलॉजिकल मतलब अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो तो वो आपकी, वो आप उसको आप पा सकते हो, ठीक है, ये बायोलॉजिकल है. इसमें क्या है, इसमें ड्राइव की बात की गई है, मतलब आपके अंदर से एक इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए ये बायोलॉजिकल है. ओके क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके बॉडी के थ्रू, आपके मन के थ्रू ये डिज़ायर हो रही है, डेवलप हो रही है, और यहाँ पे एक ड्राइव इन्वॉल्व है. तो ड्राइव के थ्रू जब आप डिज़ायर इन्वॉल्व होता है वहाँ पे, ड्राइव क्या है, ड्राइव आपकी बायोलॉजिकल ड्राइव होती है. ओके जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी, ठीक है, तो अब अगर आपको प्यास लगेगी तो आप क्या करोगे, पानी पियोगे. तो ये क्या है, ये आपकी एक बायोलॉजिकल ड्राइव है, ठीक है, आपको पानी की चाहत है, तो ये क्या है, डिज़ायर है. तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप डिज़ायर करते हो और उसको पाने की कोशिश करते हो वो आपकी बायोलॉजिकल ड्राइव होती है या बायोलॉजिकल वैल्यूज होती हैं. इंट्रेंसिक जब हम किसी चीज़ को आइडियल सिचुएशन के ऊपर डालते हैं, जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए या हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, तो क्या है, ये एक आइडियल वैल्यू सिस्टम है. इंस्ट्रूमेंटल जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है या हमें लगता है कि वो हमारी एक पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करेगा, तो उसको हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज द गाइडिंग फैक्टर है इन द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू. टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो एस्थेटिक होती है, टाइप ऑफ वैल्यू डिफरेंट टाइप की हो सकती है, एस्थेटिक हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, सोशल हो सकती है, मॉरल हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है, बिहेवियरल हो सकती है एंड मटेरियल हो सकती है. तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे कि उनकी किस तरीके की टाइप ऑफ वैल्यूज़ है. देन ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, अगर हम अपनी कंट्री की वैल्यू सिस्टम की बात करें, तो हमारी कंट्री की क्या वैल्यू सिस्टम थी, ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, स्पिरिचुअलिटी, सिंप्लिसिटी, टॉलरेंस, परसुएट ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. तो ये हमारे ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज है. मतलब ट्रूथ का मतलब के सत्य के सत्य बोलना है, हमेशा सत्य को फॉलो करना, ब्यूटी हर चीज़ में खूबसूरती देखना, गुडनेस अपने अंदर अच्छी चीज़ें रखना, स्पिरिचुअलिटी भगवान का ध्यान करना, सिंप्लिसिटी हमेशा सादा जीवन जीना, टॉलरेंस हमेशा चीज़ों को टॉलरेट करना, बहुत ज़्यादा मतलब अहिंसावादी आप एक तरह से इसको बोल सकते हो, टॉलरेट करना. देन परस्यूट ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ की प्राप्ति करना या ट्रूथ के बारे में सोचना, खोजना, सत्य का मतलब सत्य का ज्ञान करना, और नॉन वायलेंस अहिंसा को फॉलो करना. तो ये हमारी ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, वो आपकी डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है एंड इक्वालिटी की बात की गई है. तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हो गई. यूनिवर्सल वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू जो कि हर जगह अराउंड द वर्ल्ड फॉलो की जाती है, वो है आपका ट्रूथ. राइटियस कंडक्ट मतलब सही सही काम करना, सही तरीके से कोई भी काम करना. नॉन वायलेंस, लव, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये आपकी यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं. तो ये सारी वैल्यूज़ बताने का क्या रीज़न था, रीज़न ये था, देखिए टाइप्स ऑफ वैल्यू की अगर हम बात करें, तो ये जो पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं आपकी, ये जितनी भी आपकी पर्सनल वैल्यूज़ आती हैं, उसके बाद आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आती हैं, एक कंट्री की वैल्यू होती है, उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू होती है, और लास्ट में आपकी यूनिवर्सल वैल्यू होती है. तो ये जो चारों ही वैल्यू हैं, यही एक पर्सन की पर्सनैलिटी को शेप करती है. और कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो एजुकेशन सिस्टम इन वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड हो. अदरवाइज़ क्या होगा कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, जो हमारे लर्नर्स होंगे, उनको हम प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अगर हमारी वैल्यू उसमें नहीं इनकल्केटेड होगी. ओके तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. अगेन इसका सेकेंड पार्ट भी है, उसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से वैल्यू एजुकेशन के क्या क्या पार्ट होते हैं. तो हम लोग डिस्कस करेंगे वो अगले वीडियो में. अगर कोई भी कमेंट है आपको, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप नोट्स को देख सकते हैं, वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग.